आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। जब अर्थ प्रकाश के पत्रकार ने सवाल किया कि युवाओं को क्या संदेश देंगे, रावण का रोल निभा रहे सौरभ ने तमाम लोगों व खासकर बच्चों को यह संदेश दिया कि प्रभु श्री राम की लीला को जरूर देखने आए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है सौरभ आचार्य। सर तुसी रावण का रोल कत्तो कर रहे हो? मैं पिछले 15 सालों से रावण का रोल कर रहा हूँ। सर थोड़ा जा अपनी रामलीला बारे दसो, रावण के रोल बारे दसो। हमारी जो ये रामलीला है शहर की सबसे पुरानी रामलीला है, 1907 से ये रामलीला चल रही है। पंडित राणा राम जी थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी और पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे से आगे इसमें सेवा कर रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली इस क्लब में सेवा कर रही है। कितने सालों से रामलीला से जुड़े हो? मैं 22 सालों से रामलीला से जुड़ा हूँ और 15 सालों से रावण का रोल कर रहा हूँ। सर रावण राम का रोल कर रहा हूँ। रावण का रोल बड़ा नेगेटिव मना जाता है पब्लिक के बीच भी, मतलब उस तरीके दे नाल नहीं लोग देखते दे रावण नेगेटिव रोल, तो कितना सहमत हो इस नेगेटिव रोल तो रावण के रोल लेके? नहीं मैं सहमत नहीं हूँ कि रावण का रोल नेगेटिव है। लोग देखते हैं उसको नेगेटिव तरीके से, लेकिन वो इतना नेगेटिव नहीं है। रावण बहुत विद्वान आदमी थे, सीता का हरण करके उन्होंने सीता को हाथ नहीं लगाया, उनकी इज्जत बरकरार रखी, तो विद्वान थे वो और इतने नेगेटिव मैं उनको नहीं मानता हूँ। कहीं ना कहीं सर आज की डेट के जी रामलीला तो युवा पीढ़ी जी दूर होती जा रही है, तुम उन्होंने की मैसेज देना चाहोगे तो रामलीला लेके उन्होंने की कहना चाहोगे? युवाओं को इस चीज़ से जुड़ना चाहिए। आजकल ज़माना आ गया है, एंटरटेनमेंट का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, रामलीला से लोग थोड़े दूर हो रहे हैं, लेकिन हम बहुत नए से नए सीन्स लेके आते हैं रामलीला में ताकि लोग आकर्षित हों, जुड़ें और हमारी सभ्यता से रूबरू। दोस्तों स्टेज पे आप परफॉर्मेंस करते हो, ये पीछे कितने दिनों की मेहनत होती है, कितने दिनों की होती है, उसके बारे थोड़ा दसो। ये हमारी 3 महीने की रिहर्सल चलती है, 3 महीने से हम लगे हुए होते हैं इन 12 दिन की रामलीला करने के लिए। आखिर दे विच तुसी की कहना चाहोगे लोगों? मैं यही कहना चाहूँगा कि रामलीला देखने आए, भगवान श्री राम की जो जीवनी है उनको जानने बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें अच्छे संस्कार मिल सके, और हमारे जो जतन है ये जारी रहेगा, हम करते रहेंगे मरते दम तक। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।